हाय एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आप जान सकते हैं कि जो सिविल सर्विस या सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, ठीक है, सपोज करिए आप स्टूडेंट हैं, अगर आप या कोई भी रहे हैं, ठीक है, या सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो हर कोई लगभग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं उनका सपना रहता है, ड्रीम रहता है कि वो सिविल सर्वेंट बने, लाइक एज IAS, IPS, ठीक है, IFS, इस तरह से और भी जो ग्रुप ए के जो ऑफिसर होते हैं। तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आ चुका है। आप जान सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या यूनियन पब्लिक सर्विसेज जो कमीशन है, ठीक है, ये IAS के एग्ज़ाम लेती है या फिर बोल सकते हैं सिविल सर्विस के एग्ज़ाम लेती है, जिसके थ्रू जो चयन होता है, जिसके थ्रू क्या है, एक IAS बनता है, ठीक है, या फिर IPS बनता है, या फिर वो सिविल सर्वेंट बनता है देश का। तो आप जान सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए अभी हाल ही में नोटिफिकेशन हुआ है फरवरी में फर्स्ट में, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा, भारतीय सिविल सेवा, लेखा सेवा ग्रुप का, ठीक है, इसी तरह अभी अन्य भी इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से वैकेंसी के लिए इसमें अभी पोस्ट निकला है, ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट होने वाला है, भर्ती होने वाला है, जिसके लिए अभी आप देख सकते हैं अभी ऑनलाइन इसके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसका नोटिफिकेशन एक बार ले जाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इसका नोटिफिकेशन है। तो आप जान सकते हैं कि UPSC में जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, दो पेपर होता है, पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है, इसके बाद मेंस का पेपर होता है, ठीक है। आप स्टेट पीसीएस वगैरह देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में, देखे होंगे कि सभी स्टेट भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लेता है, लेकिन वो स्टेट पीसीएस होता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है ऑल ओवर इंडिया करवाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ संघ लोक सेवा आयोग का जो मैं यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है, यहाँ से हमें क्लिक किया, ठीक है, डाउनलोड किया। और अगर आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ बगल में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है दो पेपर होता है इसमें प्रीलिम्स में, एक आपका होता है GS1, फिर होता है GS2, ठीक है। तो GS1 वो होता है, आप जान सकते हैं GS1 जो होता है वो पूरा आपका जो भी करंट अफेयर हो गया, फिर जो आपका विषय होगा, जो आपका टॉपिक होगा उससे रिलेट करता है, ठीक है। इसके लिए आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। आप एक बार इसका UPSC का सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और दो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स का, जिसे CSET बोला जाता है, ठीक है, तो जिसे या फिर जनरली पेपर 2 भी बोला जाता है, ओके। तो वो क्वालिफाइंग नंबर आता है, इसमें आपको 33% ये बहुत लाना रहता है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका प्रीलिम्स में जो फर्स्ट पेपर होता है GS1 के लिए और GS2 हमें क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप इसमें इस प्रीलिम एग्जाम को आप निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फिर आपको क्या होता है, मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, जब आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स की परीक्षा जो होता है उसमें 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन आप जान सकते हैं दोस्तों 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 200 नंबर का होता है GS1, ठीक है, जिसे पेपर फर्स्ट बोला जाता है प्रीलिम्स का। और इसी तरह CSET पेपर जो होता है, ठीक है, उसमें 18 क्वेश्चन होते हैं या 80 नंबर होते हैं, ठीक है, उसमें आप जान सकते हैं वो भी 200 नंबर का होता है, ठीक है, पूरा 80 क्वेश्चन जो होता है 200 नंबर का होता है, तब जान सकते हैं कितने नंबर का हो सकता है। तो इसी तरह आप जान सकते हैं कि जो प्रीलिम्स परीक्षा जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो मेंस में बैठते हैं। तो मेंस में देखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पेपर इसमें क्वालिफाइंग पेपर पेपर फर्स्ट होता है, एक इंडियन लैंग्वेज होता है जिसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है, चाहे आप तेलुगु लें या फिर जो भी रहे, ठीक है, या फिर असम लें या फिर हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें, तो ये पेपर होता है आपका 300 नंबर का, ओके। इसके बाद आपको पेपर जो होता है कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें ये 300 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपको निकालने रहते हैं, कंपलसरी पेपर के थ्रू आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो पेपर 1 और पेपर 2 जो नाम दिया गया है ये वाला दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जो मेरिट में काउंट होता है वो कौन कौन से पेपर हैं। तो चलिए हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार में देखते हैं। तो पेपर 2 भी काउंटेड फॉर मेरिट, ठीक है, जिसके आधार से आपका रैंक बनता है। तो पेपर फर्स्ट होता है जो ASN होता है, ठीक है, जिसे ASN पेपर होता है वो पहला पेपर होता है, इसको मान सकते हैं 250 नंबर का होता है। तो अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो बढ़िया है आपका, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट ऐसे होता है, फिर सेकंड पेपर जो होता है जनरल स्टडीज़ का होता है, ठीक है, मेंस के बाद कर रहा हूँ ये वाला। और जो पहले बात क्या थे आपका प्रीलिम्स दिखाया था, ठीक है, अगर प्रीलिम्स वाली पाई कर लेंगे तो मेंस का, तो अलग इसमें पेपर जो फर्स्ट होता है आपका ऐसे होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं सेकंड दिन जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जीएस
वन का होता है, 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हैं कि इंडियन हेरिटेज रहता है, कल्चर रहता है, हिस्ट्री रहता है, जियोग्राफी रहता है, और वर्ल्ड इन सोसाइटी के इसमें पोर्शन इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इससे रिलेट कीजिए, चाहे आपका स्टडीज पोर्शन लीजिए या करंट अफेयर्स लीजिए, दोनों से रिलेट होता है, ओके। इस तरह पेपर थर्ड होता है, अब दोस्तों जान सकते हैं जनरल स्टडीज जिसे GS2 बोला जाता है, ये भी 250 नंबर का होता है। इसमें आप जान सकते हैं गवर्नेंस के बारे में होते हैं, वो संविधान के बारे में होते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में होते हैं, ठीक है, और सोशल जस्टिस हो गया, है ना, न्याय व्यवस्था होगा उसके बारे में होते हैं, और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके बारे में रहता है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ये 250 नंबर के होते हैं। इसी तरह दोस्तों आप जान सकते हैं पेपर फोर जो होता है, आप देख सकते हैं जिसे आमतौर पर बोला जाता है GS3, ठीक है। ये इसमें कौन कौन से विषय इसमें रहते हैं जनरली, इसमें टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट्स हो गया, ठीक है। अब जान सकते हैं दोस्तों कि जो आपदा प्रबंधन होता है इसी में जो GS3 है उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, जिसे पेपर फोर बोला जाता है, ये भी 250 नंबर का होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है पेपर बोल सकते हैं 5 आता है, ठीक है, जिसे GS4 भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें देखिए होता है दोस्तों एथिक्स होता है, इसमें इंटीग्रेटिंग है एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें आपका जो भी मन है, विचार है, उसके बाद से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आप इसमें आपकी एबिलिटी क्या है, क्या इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो 250 नंबर का होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह जब इसको आप एग्जाम दे पाएंगे तो इसके बाद एक पेपर और होता है, ठीक है, जिसे पेपर 6 बोला जाता है, ठीक है, जो आपका ऑप्शनल विषय हो गया। सपोज करिए आप किसी विषय में पढ़ते हैं, आपका ग्रेजुएशन है, तो क्या आपका ऑप्शनल विषय रहता है ना, ठीक, उसी तरह इस पेपर को जब आप मेंस में बैठेंगे तो आपको एक ऑप्शनल विषय चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। चाहे आपका ऑप्शनल विषय जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, या कन्नड हो, कोई सा भी विषय हो सकता है जो इसमें लिस्टेड है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शनल विषय हो गया, चाहे आपका मैथ क्यों ना हो, ओके। तो बहुत सारे लोग अपना ऑप्शनल विषय चुनते हैं, बहुत लोग हिंदी लिटरेचर चुनते हैं, ओके, बहुत तो पॉलिटी चुनते हैं, इस तरह आप भी एक अपना ऑप्शनल विषय चूज़ कर सकते हैं, वो भी लेकिन दोस्तों 250 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पेपर सिक्स जो होता है उसमें दो पेपर होता है, आप जान सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल पेपर में ऑप्शन पेपर पहला होता है, तब देख सकते हैं पहला पार्ट हो गया, ठीक है, 250 नंबर का। इसी पेपर 7 जो होता है वो भी ऑप्शन पेपर का होता है, जो पेपर 2 कहलाता है। ऑप्शन पेपर दो पार्ट में बांटा जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, जिसे ऑप्शन पेपर पहला होगा वो भी 250 नंबर का होता है, फिर ऑप्शन पेपर सेकंड होता है वो भी 250 नंबर का होता है। कुल मिला के सब टोटल जो रिटर्न टेस्ट होता है, फिर लिखित परीक्षा जो होता है 1750 नंबर का होता है, ठीक है। इसी तरह जब का दोस्तों आपका जो रिटर्न परीक्षा निकल जाता है, ठीक है, या फिर हो जाता है, तो आपको इसमें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू 275 मार्क के होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो ग्रांड टोटल होता है 2025 नंबर के होते हैं, या फिर 20-25 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जिनका इंटरव्यू वगैरह निकल जाता है, ठीक है, जो क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं, ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया को, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को, तो उसको जो बोर्ड है, ठीक है, UPSC के बोर्ड है, या फिर बोल सकते हैं वो संबंधित कैंडिडेट को वो क्या है, लेटर जारी करता है। तो दोस्तों UPSC के जो अभी नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया गया है कि जी आपका जो फीस वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोचते हैं कि कौन कौन इसमें क्या बोलते हैं इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों, जो अभी फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन को, भी इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको देखिए ये वाला जो आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 21 फरवरी है, अभी चालू हो गया है इसका फॉर्म भराना, तो इसको आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 21 फरवरी 2023 है, ओके, शाम 6 बजे तक, जो वेबसाइट है इसका है। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी बिना देरी किए इसको आवेदन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए जो STSC के जो लोग हैं उसको इसमें एग्ज़ाम में का जो फीस है उसमें छूट दिया गया है, और बाकी जो भी है कैंडिडेट, ठीक है, उसके लिए 100 रुपये का इसमें फीस रखा गया है। तो इसमें आप बहुत हिचकिचाइए मत कि बहुत ज़्यादा फीस अगर लग रहा है, तो इसमें आप आसानी से इस फीस को आप ऑनलाइन थ्रू पेड कर सकते हैं और इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उतना जल्दी आपको हेल्प करेगा। तो जैसे कि दोस्तों इसमें बता दिया कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ऐसे विद्यार्थी या ऐसे लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनका 32 साल अभी कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसके लिए, तो 32 साल सबका बिलो है एज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इसमें
कुछ डिस्काउंटेड है, ठीक है, या फिर बोलते हैं एग्जाम्ड से हैं जो विद्यार्थी हैं या फिर जो भी कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जान सकते हैं दोस्तों कि अभी हाल ही में यूपीएससी ने क्या है, हर साल इसके लिए एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा बोर्ड है, या बोल सकते हैं यूपीएससी, जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट रहता है और जिससे बहुत सारे सिविल सर्वेंट निकलते हैं और अपने देश की सेवा के लिए सेवा भावना से। तो दोस्तों आप बिना विलंब किए इस फार्म को भर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।